तो दोस्तों देखिए, मेरा बेटा कर रहा है होमवर्क, पढ़ाई भी करता है, ये घर के काम में मदद करता है और अपनी पढ़ाई कर रहा है। और आज है संडे तो इसका होमवर्क है। और आप देखिए, गाने भी सुनाई दे रहे होंगे, बिना गाने का इसका काम नहीं चलता है। तो चलते हैं, आज शुरुआत करते हैं दिन की। सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं सुबह के 11 बजे। और आज है गार्डन में बहुत सारा काम, क्योंकि आपको मैंने दिखाया था कि मैं गमले लाई थी, अब उनके भरने का, उनके लिए हमने मिट्टी, गोबर, खाद सब तैयार कर दिया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। और हमने एक भैया बुलाए हैं देहरादून से, जो मेरे हस्बैंड के ऑफिस में ही काम करते हैं। उनको पौधों का काम बहुत अच्छे से आता है, तो आज हम बहुत काम करने वाले हैं अपने पौधों के साथ। कुछ की रूट कैनाल करनी है, कुछ गमलों से मिट्टी सही करनी है, उनमें फिर से दोबारा से मिट्टी खाद डाली जाएगी, सब कुछ किया जाएगा। आज बहुत सारे काम करने हैं हमने, तो आज हमारा दिन बहुत बिजी जाने वाला है। तो आज शुरुआत करते हैं गार्डनिंग से। तो दोस्तों आज भी धूप बहुत तेज़ है, मेरे हस्बैंड भी लगे हुए हैं साथ में, और गमले रख दिए हैं सारे बाहर, और दोनों गर्मी से उनके हैं बुरे हाल, बेचारे बैठ गए एक साइड में। और ये हो चुकी है मिट्टी, गोबर और रेत है। ओके, मैं चप्पल पहन के आती हूँ मैं। तो दोस्तों इतनी मिट्टी खाद करके इनको लग चुकी है था कि दोनों बैठ चुके हैं। वैसे मैंने इनको अभी नींबू पानी भी पिलाया था और फिर ना और ये भैया बहुत दूर से आए, सुबह सुबह 8 बजे पहुंच गए थे। अब भरे जाएंगे सारे गमले, और अभी हमने इतने कट्टों में भी खाद लाए हैं, सूखी खाद लाए हम कहीं से, और ये सब गमलों में भरा जाएगा। और अभी कुछ गमले हैं जो हमारे बहुत बड़े हैं, उनको हमने खाली करना है। और मैं करूँगी अपने गमलों में पेंट, मैं भी फ्री नहीं रहूँगी, क्योंकि आज है बेटा घर पे, तो खाने की तो मुझे चिंता ही नहीं है, खाना तो वही बनाएगा अच्छा सा। तो करते हैं काम शुरुआत। तो देखिए दोस्तों, अगर आप भी गमले लगा रहे हो तो ऐसी लगाइए, नए गमलों में काम कर रहे हो तो आप देखिए, सबसे पहले लगाया जाता है पत्थर, ये इतना जो पत्थर है इसको लगाया जाएगा जहाँ पे हमारे गमलों में छेद कर रहता है। हैं, छेद नहीं होना है ना, इसको रहने दो, उसमें छेद पानी नहीं पड़ेगा। छेद लगाने, छेद में लगाया जाता है एक पत्थर, उसके बाद भरी जाती है मिट्टी। और पत्थर इसलिए रखा जाता है कि पानी डालने के बाद, जो हम गमलों में पानी डालते हैं उसके बाद वो पानी बाहर भी आ जाए, अगर उसी में रहेगा तो पौधा गल जाएगा, इसलिए पौधे को जितनी ज़रूरत होती है उतना पानी लेता है, उसके बाद वो बाहर निकल जाता है। तो छेद करना भी ज़रूरी है, और उसके बाद पत्थर लगाना भी बहुत ज़रूरी है, तब मिट्टी भरी जाती है। तो दोस्तों मैं सारे गमले अंदर ला चुकी हूँ, अब इनमें किया जाएगा अंदर काम, क्योंकि बाहर हो रही है बहुत तेज़ धूप। अंदर अब सारे जो पुराने गमले हैं उनकी भी मिट्टी चेंज की जाएगी, और कुछ को हम एक से दो बनाएंगे, जैसे परिवार बढ़ता है वैसे मेरे पौधे भी बढ़ते हैं। तो अब होगा आगे का प्रोसेस शुरू। तो अब लग चुकी है हमें थोड़ी थक, और हमने लिया ब्रेक, और मैं ब्रेक पे क्या लाई उनके लिए, खीरा, नींबू पानी तो पिला देता, अब खाएंगे हम ताज़ा ताज़ा खीरा, और तब आएगी एनर्जी कि लग जाएंगे पतिदेव काम पे। दोस्तों देखो, मेरे प्लांट की पत्तियां किसी कीड़े ने खा दी, और मैं कीड़ा ढूंढ के थक गई। अब मुझे मिल चुका है कीड़ा, ये देखिए कितना बड़ा कीड़ा है, बिल्कुल पत्ती के पीछे छुपा हुआ है। अब इसको हमें फेंकना पड़ेगा गेट से बाहर, तब अपने प्लांट बचाने पड़ेंगे। बहुत ध्यान देना पड़ता है दोस्तों इन पौधों का, बहुत ज़्यादा, बहुत टाइम देना पड़ता है इनको भी। तो देखिए रूट कैनाल का काम हो गया शुरू, पहले इस गमले से निकाली जाएगी पूरी मिट्टी। ये सबसे हार्ड काम होता है पौधों का, जिसमें पूरी ताकत लगानी पड़ती है, बहुत मुश्किल से गमला खाली हो पाएगा, इसीलिए दो दो लगे हुए, मैं तो शायद कुछ कर भी नहीं पाती इसमें, इसलिए स्पेशल भैया को बुलाया है देहरादून से। इसकी जड़ हो चुकी है बहुत हार्ड, अगर थोड़ा टाइम इसी गमले में रहता तो ये गमला टूटने वाला है। अब मुझे डर है कि कहीं ये गमला वैसे भी ना टूट जाए, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है हमने रूट कैनाल नहीं कराई है। अब पूरी जड़ निकाल के फिर इसकी जड़ की कटिंग की जाएगी, फिर दोबारा से लगाया जाएगा ये पौधा।
तो बहुत मशक्क़त के बाद निकल चुका है गमले से प्लांट। और ये प्लांट्स आप यकीन मानो ना मानो तो मेरा 5,000 से कम का नहीं होगा अगर मार्केट से मैं ख़रीद के लाऊँ इतना बड़ा। तो अब इसके बनाएंगे हम 3-4 प्लांट, इन्हें लगाएंगे हम 3-4 गमलों में। ये देखिए देखो दोस्तों कैसे होती है रूट कलन के नाल। ये हो रही है सारी नीचे की जड़ें काटी जाएंगी तब गमले में लगाया जाएगा। ये जितनी मिसी हुई जड़ें हैं इनको सबको काट के किनारे किया जाएगा। मैं आपको दिखाती रहती हूँ, कुछ ना कुछ सिखाती रहती हूँ, इसलिए मेरे ब्लॉग्स देखते रहिए। और आज का मेरा ब्लॉग शायद 2-3 दिन बन तक जाएगा, एक दिन में मैं इतनी बड़ी वीडियो नहीं डाल पाऊँगी, तो आप मुझसे जुड़े रहिए।